नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट आपको चुनावी जीत की बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप विजयी भव को प्राप्त हों। देखिए क्या है कि बदलते वक्त में चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। अगर आप बदलने वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं हैं तो सच मानिए कि आप जीत के हकदार नहीं हैं। पिछले तमाम चुनावों में गोरखपुर लोकसभा का उपचुनाव हो, जो अभी हाल में हुआ है, कैराना लोकसभा उपचुनाव, ऊना विधानसभा चुनाव या छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर जहाँ पर एक सक्रिय सलाहकार के रूप में हम एक्टिव हैं, हमने एक चीज़ पाया है कि चुनाव जीतने के लिए 15 साल नहीं बल्कि 15 दिन बहुत पर्याप्त होते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने अपनी पुस्तक रोड मैप टू विन इलेक्शन इन लास्ट आवर लिखी है। बदलते परिवेश के हिसाब से मतदाताओं के मन भी बदल रहे हैं और इन मन को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बदलते वक्त के हिसाब से बदलें और आप अपनी चुनावी रणनीति को भी वक्त के साथ बदलते रहें। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपके क्षेत्र में 25% से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। इन मतदाताओं को आप ट्रेडिशनल वोटर्स नहीं हैं, या वोटर्स ऐसे नहीं है कि जो जहाँ पे पिताजी मतदान करते थे वहीं पे बेटा भी करेगा, वहीं पे इनकी बेटी भी करेगी, ना, कतई नहीं। यह अपने सोच के आधार पे, अपनी भावनाओं के आधार पे, दोस्तों के आधार पे, लहर के आधार पे मतदान करते हैं, ब्लॉक के आधार पे। इन लोगों को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए? लोग बात करते हैं कि घर घर जाने की बात, आप बिलीव करिए कट कॉपी पेस्ट कांट बी बेस्ट। अगर आप कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में पड़े हैं तो आप विजेता नहीं बन सकते हैं। अब की बार इनकी सरकार उनकी सरकार, सेम स्लोगन और सेम तरीके से जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं आपका विरोधी भी वैसे कर रहा है, आपके पास अलग क्या है? अगर लोग घर घर जाने की बात कर रहे हैं तो आप महिला विंग बनाइए, आप आंगन आंगन जाइए, आप 50% आबादी जो घर के अंदर रहती है उन पे भी फोकस करिए कि कैसे उनको अपने पक्ष में किया जाए। यह पुस्तक रोड मैप टू विन इलेक्शन इन लास्ट आवर हिंदी में हमने लिखी है, 25 बिंदुओं को लिखा है जो लास्ट के अंतिम 10 दिनों में, अंतिम 8 दिनों में भी आप अपने चुनावी माहौल को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे विजयी भव प्रोग्राम, हमारा विजयी भव एक्टिविटी एक ऐसी है जो गोरखपुर से लेके ऊना चुनावों तक तमाम जगहों पे एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। हमने बात की है सलाहकार की, हमने बात की है कि लास्ट के 5 दिनों में आप क्या करें, लास्ट के 7 दिनों में आप क्या करें। तो आप तमाम प्रयोगवादी रहे हैं, चंदे से लेके मीडिया तक हर जगह आप पैसे खर्च करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप जीत को आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते वक्त के साथ बदलना चाहते हैं तो एक बार हमारी पुस्तक अवश्य पढ़ें, रोड मैप टू विन इलेक्शन इन लास्ट आवर हिंदी। थैंक यू सो मच।